ये देखिए आपने देखा कि यहाँ पर नो कॉम्प्रोमाइज, कोई मतलब यहाँ पर बात सुनी नहीं जा रही है, कोई भी प्रकार का यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से सीधा कार्रवाई, सीधा कार्रवाई, सीधा तोड़ जा रहा है, किसी भी प्रकार का नो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर कर दिया। अब तक तो एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज के ऊपर। मैं जाबिर शाह, मालेगांव शहर में एक साल से प्रशासक का राज है। जब तक का किसी ना किसी पार्टी की सत्ता थी, कोई ना कोई कॉर्पोरेशन में इक्तदार पे था, तो जब तक मालेगांव शहर का अतिक्रमण महफूज था, क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि किसी भी पार्टी का वोट बैंक हो, किसी भी पार्टी का वोट बैंक हो, खराब नहीं हो। इसके लिए हर कोई ये चाहता था कि हमारा वोट बैंक बना रहे, और अतिक्रमण के ऊपर ना कोई बोलता था, ना कोई बात करता था, और ना अतिक्रमण का विषय महासभा में लाया जाता था। लेकिन जब से प्रशासक का राज हुआ है, इस शहर में कोई ना कोई कामकाज नया देखने को मिल रहा है, नया सुनने को मिल रहा है। मालेगांव शहर का अतिक्रमण और मालेगांव शहर के अतिक्रमण का विषय उस वक्त से ज्यादा जोर पकड़ लिया जब से नीतीश राय ने मालेगांव शहर के भूलपोर किले के ऊपर आए थे, और वहां पर आकर अतिक्रमण झोपड़ पट्टियां किले के ऊपर जो बची है उसे निकालने की बात 8 दिन का अल्टीमेटम मालेगांव प्रशासक पाल चंद्र गोसावी को देकर गए थे। लेकिन 8 दिन तो गुजर चुके, 15 दिन भी हो गया, 20 दिन गुजर चुके, किला झोपड़ पट्टी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पूरे शहर का अतिक्रमण निकलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि मालेगांव शहर का किदवाई रोड, रफी अहमद किदवाई, कुसुम्बा रोड और मालेगांव शहर के अनेक अनेक इलाकों में अतिक्रमण साफ होना शुरू हो गया। और इसी के साथ साथ अब अतिक्रमण रमजानपुरा विभाग, जो आमदार की कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं आती है, लेकिन मालेगांव महानगर पालिका की हद जरूर आती है, और मालेगांव की महानगर पालिका की हद में कुलसुम चौक रमजानपुरा के अंदर अतिक्रमण यहाँ पर जंगी पैमाने पर आप देख सकते हैं कि जंगी पैमाने पर शुरू है। कोई नोटिस नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, सीधा तोड़ने का काम जारी है, जिसको देखकर लोगों ने जब खुलना उस पार शुरू हुआ तो इस पार खुलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई जगह जो संडास बाथरूम बाहर बनाए गए थे, आगे वोटे बनाए गए थे, पत्रों का शेड डाला गया था, उन सभी को खोलने का और तोड़ने का काम जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा अतिक्रमण मुक्त मालेगांव का नारा यहाँ पर मालेगांव प्रशासक की ओर से दिया गया है। अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया है कि काम में किसी भी प्रकार की कोई भी गुलंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अतिक्रमण तोड़ा जाए, और अतिक्रमण अगर नहीं निकालने दिया जाता है तो जो लोग इस काम के आड़े आते हैं उन लोगों पर फौजदारी गुनाह दाखिल करने का आदेश भी मालेगांव प्रशासक की ओर से दे गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधा कार्रवाई की जा रही है, सीधा तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ में प्रभाग 2 के अधिकारी अब फैयाज सर हमारे साथ में है, जो प्रभाग 2 के अधिकारी है, वो पूरी टीम के साथ जंगी पैमाने पर पुलिस का बंदोबस्त साथ में लेकर यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासक साहब ने कहा कि जो लोग अतिक्रमण नहीं तोड़ने देते उन पर डायरेक्ट गुनाह दाखिल किया जाए। बिल्कुल किया जाएगा, जो खुद से अगर निकाल लिए तो उनको मौका दे रहे, और जो कुछ भी जरा सी भी काम में अगर अड़ंगी डाल दे, काम करने में तकलीफ दे दे, तो उसको तुरंत हम कार्रवाई करके, अभी 2 लोगों पुलिस की गाड़ी में बैठा दिए, मारने के लिए आंख भी आए थे हमारे, मॉब का खूब चिल्लाट मचाया, मारो मारो, तो हमने पुलिस बुला के उनको गाड़ी में बैठा दिया, अभी उनके ऊपर FIR होगा। सरकारी काम में अड़थड़ा डालने के केस बनेगा उनको, 300 सरकारी काम में और फौजदारी दोनों केस दाखिल करेंगे। जो मेजर रोड है, जो बड़ा रोड है, हर बड़े रोड का अतिक्रमण निकाल के रोड को कुशादा किया जाएगा, और लेकिन अभी हमारे नगर रचना विभाग से हम उसका डिमार्केशन करेंगे,
और उसके मुताबिक रोड चौड़ा करने की कार्रवाई करेंगे। आप देखें कि जो आवारी नाला है, आवारी नाला, वो आवारी नाला था जब तक पानी रमजानपुरे में आता था तो उस नाले के जरिए पानी निकल जाता था, लेकिन अब आवारी नाला कहीं नजर नहीं आता। वहाँ लोगों ने घर, दुकान, मकान, हॉस्पिटल, अरे ने क्या क्या बना लिया, जो नाला पैक हो गया, जिसकी वजह से रमजानपुरे जब बारिश होती है तो पानी लोगों के घरों में घुसता है। क्या वो नाला भी खोला जाएगा? नाला खोलना भी हमारे उसमें है ताकि बारिश के पानी की निकासी आसानी से हो, इसके लिए नाले को खोला जाएगा और नाले खोल के पानी को पंजतन चौक तक के जो अपना नाला गया हुआ है उसको वहाँ मिलाया जाएगा। वो नाले की कार्रवाई कब शुरू होगी? ये बस अब ग्रेजुअली चालू है, ज्यादा प्रॉब्लम है फिलहाल, अभी उधर का कर रहे हैं और हमारे जो कमिश्नर साहब है और हमारे जो वरिष्ठ है उनसे मशवरे करके नाले का भी अपन कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई काम है जहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर आने की वजह से एरिया वाइस मतलब पतली हो सकता है कि यहाँ मत करो, वहाँ करो, वहाँ मत करो, वहाँ करो? नहीं, कोई पॉलिटिकल हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है और पब्लिक का भी कहना है कि अच्छा काम है, इसके लिए हम काम पूरे तन मन से लगे हुए उसे में। अच्छा देखिए, हर कोई तो ये चाहता है कि अतिक्रमण मुक्त मानेगा होना चाहिए, क्योंकि रास्ते पर चलने वाले लोग अक्सर अतिक्रमण का रोना तो रोते है, लेकिन जो लोग अतिक्रमण का रोना रोते है जब वो घर आते हैं तो उन्हीं के घर के बाहर अतिक्रमण रहता है। तो ऐसे भी समाज सेवक वार्ड में हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि अतिक्रमण की इस मुहिम को वो कैसे देखते हैं। शफीक आर्गन हमारे साथ में है, कैसे देखते हैं आप अतिक्रमण मुहिम? अतिक्रमण मुहिम के ताल्लुक से तो हम बार बार डिपार्टमेंट में जाके बोलते हैं कि हमारा जो 40 फीट का रोड है, 40 फीट के रोड ऊपर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जो अतिक्रमण आया है ये एकदम आनन फानन आ गया है, ये किसी को कोई नोटिस नहीं कुछ नहीं, और यहाँ के जो अधिकारी है कारपोरेशन के, ये जो लोग खोल रहे हैं वहाँ भी जीसीपी चला रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो हम ऐसी गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी धक्का मुक्की हो गई जाने अनजाने में, तो हम शायद से ऐसी गुजारिश करेंगे कि यार वो भी बैठ के हल निकाले, आगे सब सोशल वर्कर ही होंगे और अतिक्रमण ना हो। आगे हम भी ऐसी अपील करेंगे, हमारे वार्ड के लोग से भी अपील करेंगे कि अतिक्रमण ना हो, डिपार्टमेंट से तो अपना काम कर ही रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि अतिक्रमण मुक्त को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे कि रमजानपुरे में आनंद फानंद में अतिक्रमण कहा जाना, कोई नोटिस नहीं, हमने जैसे बताया कोई नोटिस नहीं है और लोग एकदम अचानक से अतिक्रमण कहा जाना, सीधा तोड़ने लग जाना, इससे काफी तकलीफ भी लोगों में हो रही है और थोड़ा सा आक्रोश भी हो जा रहा है कि भाई अचानक से तोड़ा जा रहा है, कम से हमको मौका दिया जाता, हमको नोटिस दी जाती, हमको नोटिस दी जाती तो हम लोग कम से कम थोड़ा सा वक्त अगर हमको देते थे तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो नुकसान हो रहा है तो हम उससे बच जाते थे, और आप हमें वक्त देंगे तो हम धीरे धीरे अतिक्रमण भी खोल देंगे। इस प्रकार की रिक्वेस्ट रमजानपुरा जिस इलाके में अतिक्रमण आया है वहाँ के लोग कर रहे हैं, अभी देखते हैं कि इसके ऊपर कहाँ तक मतलब ये पहुंचे, क्या उन्हें वक्त दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। वैसे तो प्रशासक की ओर से कहा गया है कि सीधा फौजदारी गुना दाखिल किया जाए, कानून के काम में अलंगा डालने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, 353 का केस बनाया जाए, फौजदारी गुना दाखिल किया जाए और पुलिस के कड़े बंदोबस्त के साथ में यहाँ पर अतिक्रमण विभाग के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि हम खुद अतिक्रमण की मुखालफत करते हैं, अतिक्रमण मुक्त मालेगांव होना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तो ये शहर तरक्की नहीं कर सकता, ये शहर डेवलप नहीं कर सकता। जब तक रास्ते खुले नहीं होंगे, रास्ते बड़े नहीं होंगे, तो ये तकलीफ और ये परेशानियां इसी प्रकार से होती रहेंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि रास्तों के ऊपर हमारे मकान बने कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम बाहर अतिक्रमण ना करें तो हमारा मन नहीं भरता।